CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। स्वराज्य की स्थापना के युद्ध में उपयोग में लाए गए शास्त्र जैसे तलवार, भाला, ढाल, गुप्ती, कुकरी, कोयला, गंडासा आदि इस प्रदर्शनी में लगाए गए। इस प्रदर्शनी में 25 स्कूलों ने अपनी परियोजनाओं प्रस्तुत की। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कल्याण डोंबिवली के तकरीबन 92 स्कूलों के 26,300 छात्राएं इस प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार वाणी व गुरुकुल हाई स्कूल कल्याण, दूसरा पुरस्कार सिस्टर निवेदिता हाई स्कूल व SIA हाई स्कूल डोंबिवली और तीसरा पुरस्कार तिलक विद्या मंदिर व सेंट जॉन हाई स्कूल डोंबिवली ने जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज काल का इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और आज की पीढ़ी को सौर ऊर्जा का महत्व समझाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ऐसा संतोष डावखर ने कहा। मैम आपका नाम? मेरा नाम पर्ल है और मैं आर्य गुरुकुल स्कूल्स रिप्रेजेंट करती हूँ। आप यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है सोनी जी के बारे में, फर्स्ट प्राइज आपने जीता, इसके बारे में क्या कहेंगे? आई एम वेरी प्राउड दैट आवर स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइज एंड इट इज रियली प्राउड टू से दैट आर्य गुरुकुल टीम हैज वर्क रियली हार्ड बिहाइंड इट एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव सच चिल्ड्रन हु आर हाईली टैलेंटेड एंड हु आर बियॉन्ड देयर एज एंड देयर मेंटल एबिलिटी इज रियली वेरी हाई। So when I came here, I could understand that where we stand in the society as well, and also I would also thank all the organizers who has done this. It is collectively it really gives encouragement. इसे बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं और कितने का वक्त लगा, इसमें और क्या क्या सामग्री डाले? ओके, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सोलार चार्जिंग स्टेशन है जो सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट करके और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इम्प्लीमेंट किया है और हमारा बच्चों ने और हमारा टीम के साथ हमारा प्रिंसिपल मैम भी उससे कोलाबरेट किया है जिसमें हम अराउंड 4-5 डेज लिया है और उससे कम वक्त में चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट लेके हमने वो प्रोजेक्ट। इसमें किस चीज़ का आपने मिक्सिंग किया है? ओके, वो ऐसा है कि एक्वाफोनिक्स जिसमें फिशिंग दैट इज स्पेसी कल्चर और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके हमारा प्रोजेक्ट बना है जिसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज कम्प्लीटली निल है और सिर्फ सोलार एनर्जी से उसका एनर्जी प्रोड्यूस किया है। तो क्या कहना चाहोगे, आज आपने यहाँ पे एग्जीबिशन रखा 2 दिन में, कितने बच्चे सहभागी हुए? शिवाजी महाराज के काल के समय का आर्मर, उनकी नेवल सिस्टम और उस समय के शस्त्र, इसका प्रदर्शनी हम लोग लगाए थे और उसमें लगभग 45 स्कूल से बच्चे लोग आए हैं कल और आज, और भी आने की अपेक्षा है। लगभग 23,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे विजिट्स की हुई है और वो ये जो प्राचीन संस्कृति है, प्राउड भरी संस्कृति है, उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ने सौर ऊर्जा के ऊपर एग्जीबिशन का भी आयोजन किया था। सौर ऊर्जा ये आज की और आने वाले समय की महत्वपूर्ण नीड है, तो उस हिसाब से अपनी आने वाली पीढ़ी उस हिसाब से तैयार हो सके, इस हिसाब से हम लोग ने ये एग्जीबिशन अरेंज किया हुआ है। कितने सालों से करते आ रहे हैं सब, इसमें फर्स्ट प्राइज क्या रखा है? ये हमारा 8वां साल है और अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 तरह के प्राइस थे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। और फर्स्ट प्राइज 30,000, सेकंड प्राइज 15,000 और थर्ड प्राइज 6,000, ऐसा कुछ था। 30,000 दो कैटेगरी में बांट के, मतलब 15,000 के दिया। कितने स्कूल के इसमें सहभागी हुए, कितने लोग हैं? लगभग 26 स्कूल के बच्चों ने इसमें सहभाग लिया था और बहुत अच्छे अच्छे और नए सुझावों के साथ में उन्होंने प्रदर्शन में सहभाग लिया है, जिसमें हमको और प्रदर्शनी में भेंट देने वाले लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है।